दोस्तों सबसे पहले एक अपील, YouTube ने हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है इसका प्लीज इस्तेमाल करें। मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें इस एक ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। पता नहीं क्या है, जब से गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया है लोग उनके पीछे पड़ गए, और खास तौर पर वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर तो ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी तस्वीरें वायरल की जा रही है कि पूछिए मत। बताइए गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का क्रिकेट में कितना जबरदस्त योगदान है, वो कितनी मेहनत से सीधे BCCI के सेक्रेटरी बनाए गए ये तो पूरी दुनिया जानती है, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी के साथ जय शाह की इन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल के मुकाबले में BCCI के सेक्रेटरी जय शाह किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे हाथ बिल्कुल नीचे ऐसे करके एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल रहे थे ये कहकर जय शाह को खूब निशाने पर लिया जा रहा है। सोशल मीडिया में जय शाह के इन वीडियोस को वायरल किया जा रहा है जिसमें जय शाह प्रधानमंत्री मोदी के पीछे ऐसे चल रहे हैं जैसे उनके कोई सेवक हो या उनके कोई ऑफिसर हो, जबकि जय शाह का अपना एक महत्वपूर्ण कद है। दोस्तों BCCI कोई छोटा मोटा क्रिकेट बोर्ड नहीं है, दुनिया का सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड है। ICC में जो सबसे ज्यादा योगदान जाता है आर्थिक तौर पर वो BCCI का जाता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ICC को पाल ही BCCI रहा है, उस BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह, और ऐसे ही नहीं बने, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बने। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के आगे आखिर जय शाह को ऐसे क्यों खड़ा होना पड़ रहा है। मैं यहां पर एक कतई नहीं कह रही हूं कि पीएम मोदी का अनादर किसी को करना चाहिए, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के आगे कोई BCCI का सेक्रेटरी ऐसे चलता आपने पहले कभी देखा है? प्रधानमंत्री के साथ अगर वो नहीं चल सकते थे तो पीछे भी चल सकते थे और आराम से चल सकते थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते थे, लेकिन जय शाह की इन तस्वीरों में कुछ दिखे ना दिखे कॉन्फिडेंस तो कत्ता ही नहीं दिख रहा है। जय शाह जी आप BCCI के सेक्रेटरी हैं, कॉन्फिडेंस तो आप में कूट कूट के भरा होना चाहिए। अरे जय शाह जी क्रिकेट में आपका इतना महत्वपूर्ण योगदान है, आपको सीधे BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया है, इतना बड़ा पद है आपके पास, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। और वैसे भी आपके पद के कॉन्फिडेंस की पहचान तो तभी होती है जब आपके सामने आपसे ऊंचे पद का कोई आदमी हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बड़े पद वाले का अनादर करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पद की गरिमा खुद संभालें और उसको कैरी करें, उसको ओन करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप जय शाह की इन तस्वीरों पर क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या बेमतलब उनको ट्रोल किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन का ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करें।